नमस्कार दोस्तों, अभी अभी खबर आई है केलगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस कर्मियों पर लोगों ने पथराव कर दिया। ये बड़े शर्म की बात है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे और उन के बीच में अगर कुछ लोग खड़े हैं तो वो सिर्फ पुलिस वाले स्वास्थ्य कर्मी ही खड़े हुए हैं, और अगर ऐसे में हम इनका भी सम्मान नहीं करेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो सच में हमसे बड़ा कोई देश का दुश्मन नहीं हो सकता। इस वक्त में आज की तारीख में लगभग 20,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 650 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे बड़े धक्के वाली बात यह है कि हमने जो किट मंगवाई थी, टेस्ट रैपिड टेस्टिंग किट जो मंगाई थी, उनकी भी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में हमारे देश में कोरोना के केसेस का बढ़ जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। तो हमारा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि वो सब लोग लॉकडाउन का पालन करें, और इसी लॉकडाउन के पालन के लिए आज हमारे साथ में बीच में जुड़ गई है एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक बच्ची है, आस्था। आस्था गुप्ता आपसे क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट कर रही है अपने ही अंदाज में, तो चलिए हम देखते हैं कि आस्था क्या कह रही है हम सब लोगों से। हाय एवरीवन, माय नेम इज आस्था गुप्ता। सरकार की बात हमें मानना है, लॉकडाउन का पालन करना है, मास्क लगा कर बाहर जाना है, दूरियां लोगों से बनाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है हमको, हमें सारा काम करना है, भारत को कोरोना से जीताना है। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।